सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर ही होंगे। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, हमारे मेन चैनल पर भी, यहाँ पर भी, कि मैम कोई ब्लॉग नहीं मतलब अपलोड किया आपने, पिछले 6-7 दिन हो गए आई थिंक। सो आज है 13th of September और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज बेसिकली मैं बात कर लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 16th of September से आप लोग के प्रैक्टिकल होने वाले हैं शुरू। तो प्रैक्टिकल रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, जो यहाँ पर तबस्सुम हैदर ब्लॉग चैनल पर भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है माई स्टडी सर्कल के कमेंट सेक्शन में भी देख सकती हूँ, हमारी व्हाट्सएप टीम के पास दुनिया भर के आपके मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं हूँ इंस्टीट्यूट में, और मैंने कई सारी आज वीडियो शूट की हैं यहाँ पर, और ये है CBSE के इंग्लिश का चैप्टर। तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे मेरे, मतलब कई सारी ऐसी वीडियोस थी जो मुझे डिजिटल बोर्ड पर शूट करनी थी, बट क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था पिछले कई दिनों से, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। सो दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो अभी हैदर सर तो यहाँ है नहीं, ही इज़ क्वाइट बिजी। तो अभी हमारा, क्योंकि दूसरा जो हमने अभी और कोचिंग लिया है उसमें थोड़ा काम चल रहा है, तो वो वहाँ पर बिजी हैं और काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत ही सारे आप लोग के डाउट्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी 13th of September है आज, और 16 से आप लोग के प्रैक्टिकल शुरू हैं, दैट मीन्स 2 दिन बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, बहुत डरे हुए हैं कि NIS बोर्ड के बच्चे, कि भाई प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, फाइल कैसे बनाएं, या फिर इवन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल के अभी एक्सपेरिमेंट सॉल्व भी नहीं किए हैं जिन्होंने, तो उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ हुआ है जो आप नहीं कर पाओगे। यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, आप सब कुछ कर सकते हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली बात तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फाइल आप रेडी रखो, बिकॉज आपके पास 2 ही दिन है। तो अगर किसी बच्चे का पहले दिन में ही प्रैक्टिकल होता है, दैट मीन 16th को ही प्रैक्टिकल होता है, सो यू मस्ट यू नो हैव टू प्रिपेयर योर फाइल। तो फाइल आप सबसे पहले अपनी प्रिपेयर करके रखो, अच्छे तरीके से बना के उसको, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपको जो है वाइवा की क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं, और इसके अलावा जो रिटर्न एग्जाम आपका होता है। और बेसिकली प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है, इस चीज़ से तो बच्चे बहुत डरे रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। प्रैक्टिकल की फाइल आप प्रिपेयर रखो, और प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, वाइवा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, या फिर रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, आपको क्या लेकर के जाना है, किस बच्चे का प्रैक्टिकल कौन सी डेट में है, कब जाना है उसको, तो इन सारे टॉपिक से लेकर रिलेटेड अभी जो है हैदर सर ने एक वीडियो बनाई थी, तो रात ही वो बनाई थी और वो अपलोड हो चुकी है, पब्लिक भी हो चुकी है, तो आप उसको देख लेना। एंड बहुत ही ईजी और इफेक्टिव चीज़ें वहाँ पर हैदर सर ने आपको बताई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बाकी आप हमारे मेन चैनल पाई स्टडी सर्कल पर भी जाकर के उसको देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सर ने एक्सप्लेन किए हैं सारी चीज़ों को। तो आपको प्रैक्टिकल से बिल्कुल घबराना नहीं है, फाइल बनाओ आप अपनी, और उस वीडियो को देखो, सारे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ट्रिक्स आपको वहाँ पर बताए हुए हैं। इसके अलावा क्या है भाई, देखो प्रैक्टिकल ही नहीं है, आपके एग्जाम्स भी हैं अभी, है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपको जो है अपनी रखनी है, मतलब कंटिन्यू रखनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें भी प्रैक्टिकल के दौरान भी, और जो है अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ना हटें, है ना, पढ़ाई भी आपको जारी रखनी है। और साथ ही साथ अगर अभी कुछ बच्चे देखो ऐसे भी हैं जिनको प्रैक्टिकल के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, अगर आपके पास अभी प्रैक्टिकल के सोल्यूशन नहीं है, आपको नहीं पता कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कैसे सॉल्व करें, है ना, डायग्राम कैसे बनाएं, चित्र कैसे बनाएं, तो देखो हमारे पास, हमारी टीम के पास ऑल सब्जेक्ट्स के आपको प्रैक्टिकल के सोल्यूशन मिल जाते हैं, एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू हम आपके लिए तैयार करवा के लाते हैं, तो आपको जो है हमारे पास सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 7303838500, और इस नंबर पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो भी प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे उसमें आपको बेस्ट ही मार्क्स मिलने वाले हैं, अच्छे मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं। पिछले कई सालों से बच्चों को हम सोल्यूशन देते आ रहे हैं और बच्चों को भर भर के मार्क्स वहां से मिलते हैं। इसके अलावा आप उन प्रैक्टिकल्स को हमारे ऐप से जाकर भी ले सकते हो, हमारे ऐप का जो नेम है वो है PSE पाई स्टडी सर्कल, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो भर भर के आपको वहां से मार्क्स मिलेंगे अगर आप देख करके बनाते हो तो प्रैक्टिकल, ठीक है। एक सवाल हो रहा है बच्चों का कि मैम प्रैक्टिकल के अंदर जो डायग्राम्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, क्या वो नेसेसरी होती है बनानी? तो जी बिल्कुल वो नेसेसरी होती हैं, यू हैव टू मेक। और दूसरी बात ये है कि भाई उनको क्या हम खुद बनाएं या फिर जो है उनका प्रिंट आउट निकलवा लें? देखो अगर कोई ऐसा डायग्राम या पिक्चर है, यू कैन मेक इजीली,
आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, यू लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो यू कैन इजिली मेक दैम। आपकी मर्जी है, आप जो है खुद भी उनको बना सकते हैं, अदरवाइज आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो जो डायग्राम्स या फिर जो भी पिक्चर जहाँ पर नेसेसरी है आपको वो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी शुरू कर रखी है पाई स्टडी सर्कल चैनल पर भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एलएस बोर्ड के बच्चे हो तो। चलिए बस यही बोलना था आज, तो कहीं किसी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।